हेलो, वेलकम टू टेक्शन में। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि हम किस तरह से परसेंटेज मंथ्स बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। आज के सेशन में हम देखेंगे किस तरह हम परसेंटेज ईयर बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है, मैं आपको वो प्रोग्राम को थ्रू कराता हूँ। यहाँ पे हमने सबसे पहले तो वही कंट्रोल ऑप्शन स्पेसिफाई करें जो हम डिबगिंग में यूज़ करते हैं, और उसके बाद में यहाँ पे कुछ वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं। तो मैंने यहाँ पे तीन वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। पहला है करंट डेट जिसका डेटा टाइप है डेट। फिर है हमारे पास फ्यूचर डेट नेम से एक वेरिएबल, और एक है हमारे पास पास्ट डेट से वेरिएबल। तीनों का जो डेटा टाइप है वो हमारा डेट है, क्योंकि हम इसमें एक डेट स्टोर करने जा रहे हैं। उसके बाद में लाइन नंबर 19 पे हम परसेंटेज डेट की हेल्प से करंट डेट को स्टोर कर रहे हैं। तो परसेंटेज डेट क्या करेगा, ये हमारा बिल्ट इन फंक्शन हमारे करंट डेट कैलकुलेट करेगा और उसको करंट डेट नेम से जो हमने वेरिएबल बनाया है उसके अंदर पास कर देगा। तो परसेंटेज डेट को मैंने पहले वाले सेशन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इन्फो चाहिए तो आप पहले वाले सेशंस को गो थ्रू कर सकते हो। उसके बाद में मैंने यहाँ पे करंट डेट को डिस्प्ले किया हुआ है, तो ये हमारे को आउटपुट पे देखने के लिए हम ये वाली कमांड रन करें जो है डिस्प्ले करंट डेट। उसके बाद में यहाँ पे हमने फ्यूचर डेट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो फ्यूचर डेट में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर डेट करंट डेट प्लस परसेंटेज ईयर्स वन। तो परसेंटेज ईयर्स क्या करता है, परसेंटेज ईयर जो भी हम नंबर इसमें पास कर रहे हैं उसको एक ड्यूरेशन में कन्वर्ट करता है, और उसको डेट में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं फिर हम, ठीक है। तो परसेंटेज डे क्या करता था, डे वाली फील्ड में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करता था। सिमिलरली परसेंटेज मंथ्स अगर देखें तो वो मंथ में इंक्रीमेंट करता था, वैसे ही परसेंटेज ईयर क्या करता है, हमारे ईयर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट करता है। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं करंट डेट प्लस वन ईयर करूँगा तो मेरे को वन ईयर बाद की डेट फ्यूचर डेट में स्टोर हो जाएगी। फिर उसको मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कराया हुआ है। सिमिलरली अगर मेरे को पास्ट डेट निकालनी है तो मैं करंट डेट माइनस परसेंटेज ईयर वन, तो ये क्या करेगा, मेरी जो करंट डेट है उसमें से एक ईयर बैक की मेरे को डेट बताएगा, और यहाँ पे मैंने उसको डिस्प्ले कराया हुआ है। और लास्ट में हमने स्टार INLR ऑन किया हुआ है हमारे प्रोग्राम को एंड करने के लिए। तो अब मैं आपको इस प्रोग्राम को कंपाइल करके कॉल करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हो ये हमारी आज की करंट डेट है, ओके। तो करंट डेट में अगर हम डेज परसेंटेज डेज यूज़ करते हैं तो वो इस जगह पे इंक्रीमेंट करता है जो है डे। अगर हम परसेंटेज मंथ यूज़ करते हैं तो वो इस जगह में इंक्रीमेंट करता है जो है 12 यानी मंथ्स। और अगर हम परसेंटेज ईयर यूज़ कर रहे हैं जो कि इस सेशन में हम देख रहे हैं तो वो यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगा। अभी मैं एंटर करता हूँ, हमने प्लस वन किया हुआ है तो ये हमारे को दिख रहा है 2022 December 22, ठीक है। और फिर उसके बाद में हमने क्या किया है, करंट डेट माइनस वन ईयर, तो एंटर किया तो ये आ रहा है 2020 12 2020, ठीक है। तो इसमें 2022, तो इस तरीके से हम यहाँ पे अपने मंथ और ईयर में इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जैसे हमारे को करंट डेट में ईयर को माइनस करना है तो हम वो भी कर सकते हैं, और करंट डेट में ईयर को प्लस करना है तो वो भी कर सकते हैं। वो मेनली परसेंटेज ईयर का यही यूज है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ईयर को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हो। तो लास्ट तीन सेशन जो थे वो एक कोरिलेटेड सेशन थे, उन तीनों में हम डेट में कोई ड्यूरेशन को ऐड और माइनस कर रहे थे। तो इस तरीके से हम डेट में ईयर मंथ और डेज को इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आज के सेशन के लिए इतना था, नेक्स्ट सेशन में हम कुछ और बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मैथ।